कल कोई मारने आया था और हमको लग रहा है वो मेरा मोम है। दारू से कुछ होने वाला नहीं है। आजकल अपना अकेलापन को दूर करने के लिए मार्केट में नया कुछ आया है और उससे हिम्मत भी बढ़ता है। तुम्हारा बेटा बहुत बदल गया है, उसका ख्याल रखो। ये उम्र में ये लोग बहुत कुछ उल्टा सीधा यूज करता है। तुम ना हमको पैसा में हरा सकता है न फाइट करने में, इसलिए मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। डरने लगता है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, आप तो मुझे बहुत अच्छा से ये फिल्म को देखा शुरू से एंड तक और एक अच्छा रिव्यू दिया। आई एम वेरी प्राउड एंड ऑनर्ड, मैं अभी बहुत और करेज हो चुका हूँ, बूस्ट हो चुका हूँ फिल्म बनाने के लिए। एंड देन पब्लिक को मैं यही बोलना चाहता हूँ, एक्चुअली अरुणाचल में फिल्म मेकिंग की बहुत इनिशियल स्टेज है जहाँ पे बाकी जो काम करने वाला लोग अच्छा से अपना लाइफ जी सकते, बट फिल्म मेकिंग में ऐसा है कि आप कभी कभी एक दो महीना भी पॉकेट खाली होकर भी बैठता है, बट फिल्म का वो जो इंटरेस्ट जो है वो जो जिंदा रखता है। तो जो छोटा छोटा वो जो उसमें से उससे मतलब हम फिल्म को बहुत आगे ले जाने की सोचता है। तो पब्लिक से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, चलो फिल्म टेस्ट हर किसी का अलग अलग होता है, आप देख लीजिए फिल्म, उसके बाद आप जितना सकता है जैसा आप बाहर का मूवीज को जो थिएटर में आप देख परचेस करके देखता है, तो लोकल फिल्म को भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग का थिएटर में जाने से ही हमारा जो लाइफ जो डे टू डे लाइफ है उसमें हम थोड़ा सर्वाइव कर सकते हैं, वही मैसेज है। थी फुटेज दे दीजिए क्योंकि कल से स्क्रीनिंग होने वाली है। और दूसरी एक और शिकायत है, क्यों देखनी चाहिए एक, और दूसरा ये है कि मोर्तो भाई हमसे कह रहा था कि लोकल स्क्रीन्स पर लोकल फिल्में अच्छी नहीं बनती है करके, इनको स्लॉट नहीं मिल रहा है सिनेमा हॉल्स में, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। नहीं, ये कंसेप्ट बहुत गलत है। अगर ये हमारा जो लोकल हॉल्स में अगर लोग लो दिखाने के लिए थोड़ा मना कराए तो कोशिश करेंगे हम लोग ही आपका फिल्म को लोगों को दिखाने के लिए हम कोशिश करेंगे। हमारे पास और ये थिएटर मोबाइल थिएटर है, उसी के जरिए डिस्ट्रिक्ट में हम लोग भेजा गया है, तो वेरी सून वी विल डिस्कस विद यू द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर। और इसको लोग देखना बहुत जरूरी है कि ड्रग के जरिए से सोसाइटी को कितना इफेक्ट पड़ता है। तो मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने जो हमारा सोसाइटी मेंबर्स ऑफ सब है उसको देखना चाहिए। थैंक यू द टीम तबा अप्पा एंड बेंगिया मोर्तो एंड एंटायर एक्टर्स एंड एक्ट्रेस एंड द क्रू मेंबर्स for a wonderful message you are going to pass on to the society. The Honorable Chief Minister Sir ne kaha, this is not a mission but it is Sarkar ne already usko ek war type mein leke gaya hai jo drug abuse ke upar mein, aur ye film jo hai ek bahut bada message jayega hamara across Arunachal Pradesh mein, aur hum log koshish karenge ki ye hum log isko district mein bhi हम लोग ये आईपीआर का तरफ सरकार का तरफ से हम लोग उसको प्रोजेक्ट करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे उसको। तो विद दिस एपिसोड जो आज जो फिल्म बनाया है, यू शुड नॉट ओनली एक्ट अपॉन इट, सिर्फ एक्टिंग नहीं करना है, बट देन यू शुड बी एम्बेसडर टू यू नो डिस्करेज द यूथ्स एंड द अदर स्टूडेंट्स नॉट टू टेक द ड्रग। थैंक यू वेरी मच। जो एक्टर्स है आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करेगा कि बहुत अच्छा मूवी आज इस स्पेशल स्क्रीनिंग में देखने को मौका मिला है। और जो थीम यहाँ पे जो कंसीव किया है वो बहुत ही अच्छा एक थीम कंसीव किया है, खास करके जो ड्रग्स का बारे में और इस ड्रग्स कल्चर को लेते हुए समाज में कितना हानिकारक है और अपना परिवार में कितना डेंजरस है ये, तो इस फिल्म से ये क्लियरली दिखाता है कि ड्रग एडिक्ट होने के बाद
उसका जो प्रॉब्लम है घर में, कितना डेंजरस एक प्रॉब्लम होने को है। तो आई थिंक ये जो स्क्रीन जो मार्केट में जो थिएटर में जाएंगे, डेफिनेटली पब्लिक इसको बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करेंगे। एंड द मैसेज जो आप लोग ने कोशिश किया समाज को कन्वे करने के लिए, डेफिनेटली इट विल हैव अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। और आज ये फिल्म देखने के बाद, वैसे हमारा जो गवर्नमेंट है ड्रग्स के ऊपर में, हम लोग काफ़ी अभी सिंसियरली हम लोग काम करने का पूरा कोशिश कर रहा है। सिंस मूवी हमने भी पूरा देखा, फर्स्ट से लास्ट तक पूरा एंडिंग तक देखा सर, इस मूवी में बहुत ही अच्छी मैसेज हमें सोसाइटी के लिए, स्पेशली अभी के समय जो हमारा सोसाइटी में नीड है, उन्हें आप लोगों ने दिखाया है। तो आप मूवी के बारे और थोड़ा सा बता सकेंगे, एंड हाउ आर यू लाइक फीलिंग नाउ आफ्टर गेटिंग सो मेनी पॉजिटिव रिव्यूज सर? मैं फिल्म की कहानी के बारे में कुछ भी बताना पसंद नहीं करूँगा क्योंकि उसको देखने के लिए आपको थिएटर में आना होगा। पर देन ये जो एडिटिंग जो टीम है, साउंड जो कर रहे थे, वो हमें भी दिखाए नहीं थे। okay. और हम भी सरप्राइज है, हमने अभी अभी शो देखा, और जितने यहाँ ये चीफ मिनिस्टर सर, होम मिनिस्टर सर और एंटायर कैबिनेट आए थे, मैं उनकी आंखों में नमी देखी। और ये प्रॉमिस लेकर गए हैं, देकर गए हैं सर, कि इसको मोबाइल थिएटर के जरिए पूरे अरुणाचल प्रदेश में दिखाया जाएगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है, और लग रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। जी सर, एक मूवी में लाइक देखा जाए तो पर्टिकुलर ऑडियंस रहता है कुछ कुछ मूवी में, किसी को लाइक यू नो कोई बच्चे के लिए बनाते हैं, कोई बड़े के लिए। तो इसका आप लोगों का, इस मूवी का ऑडियंस का टारगेट क्या है सर? टारगेट ऑडियंस यूथ है और पेरेंट्स, यूथ और पेरेंट्स है, क्योंकि ड्रग्स एडिक्ट होने से पहले आपको अवेयर होना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला, कि पेरेंट्स को बहुत बड़ा मैसेज है कि अपने बच्चे को वक्त देना पड़ेगा। देन और यूथ जानते हैं कि ड्रग करना कोई अच्छी बात तो है नहीं, लेकिन पूरे के पूरे फैमिली और जनरेशन तबाह हो जाता है। आप इस फिल्म को देखिए, महसूस करेंगे। सो मैं ये ड्रग्स से जो पीड़ित लोगों को अब ईटानगर मतलब सिटी अब शहर का बीचों बीच में एक संस्था चला रहा है रिहैब, और ये बहुत सालों से मैं ये चीज़ को अवेयरनेस जो जागरण लोगों का बीच में लाना है वो मेरा सोच ही रहा था बहुत दिन से, क्योंकि हम लोग या तुक तक करके चलता रहा या लोकल नहीं, परंतु ऐसे मास मीडिया सोशल मीडिया ऐसे जो एक स्टेट लेवल में नेशनल लेवल एक प्लेटफॉर्म एक जागरण नहीं लाया अब तक। तो अब आज का फिल्म मुझे नींद से जगाया जैसा लग रहा है, मेरे लिए एक नया चीज़। मैं सचमुच में ऐसा अरुणाचल में ये जो आज का फिल्म को देखकर जो हकीकत में रियलिटी में जो पेरेंट्स लोग हमारा वहाँ पे लाया जाता है, जैसे दर्दनाक कहानी बताता है और उन लोगों का साथ सुना हुआ को मैं आज यहाँ हकीकत में देखा है सर। बहुत लोग आपको बहुत सारे हमारे यहाँ मूवीज में देखा है, तो इस बार कुछ बहुत ही अलग इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में आपने काम किया है, तो आपको कैसा लग रहा है सर अभी इस मूवी में काम करके सर? शूटिंग के दौरान तो बहुत तकलीफ लगा, लेकिन जब यहाँ ने हमारा पूरा अरुणाचल का CM ऑनरेबल मिनिस्टर लोग दिलीप साहब लोग बड़े हंसते आके देखा, तो उनका रिएक्शन देख के हम बहुत मतलब खुश है जी। और सब लोग तारीफ कर रहे कि आपका मूवी बहुत अच्छी, सब आर्टिस्ट ने बहुत अच्छे काम किया होते जी। बस दिल बहुत खुश है, तो इतना ही कि जब थिएटर पे मार्केट पे आएंगे तो सोचिए और अरुणाचल के आदमी लोग यहाँ देखे जी। सर जब मूवी बनाने की बात करते हैं तो सब्जेक्ट आपको बहुत मिल जाएंगे, तो स्पेशली आपको इस मूवी को प्रोड्यूस करने, इस सब्जेक्ट को आपने क्यों चुना वो हमें बता दीजिए सर। थैंक यू आपको ये सवाल खूबसूरत सवाल पूछने के लिए। हर कोई मूवी जगत में हर कोई अपना अपना कंसेप्ट लेके आता है और हर कोई अपना बेस्ट देने के लिए ट्राई करता है। मेरा ये पहला मूवी है जो एक सोसाइटी को आईना दिखाने का जो काम करता है, और आज का तारीख आज का दौर में ये इतना ही जरूरी है जितना मतलब हमें डे टू डे लाइफ में जो अर्निंग करता है उस
सबसे ज़्यादा इसको सबसे पहले हम लोगों को फोकस करना होता है ताकि हमारा जनरेशन बचेगा तब एक हेल्दी सोसाइटी बनेगी। एक हेल्दी सोसाइटी बनेगा तो हमारा ये जो प्रदेश है तभी बचेगा जी। इसलिए मैं ये सबसे को इसलिए चुना और मैं कोशिश किया इसको आपका माध्यम से मैं ये बोलना चाहूँ सभी देखे आइए और इसका आनंद ले और इससे कुछ सीख मिल सके तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा और भी आगे करने का प्रेरणा मिलेगा। धन्यवाद सर। सर हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर वाचिंग द मूवी व्हाट इज योर रिव्यू? आई फील वेरी टेरिफाइड। टेरिफाइड व्हाई इज इट सो? जो ये मूवी है इसमें जो मैसेज जो दिखाने की कोशिश किया है इसमें बहुत अच्छी प्रकार से दिखाया गया है एंड उसको देख के मैं तो काफ़ी घबरा गया और इट वॉज एन आई ओपनर फॉर मी पर्सनली बिकॉज ड्रग्स को चलते हुए और जो फैमिली में जो घुस जाता है इट बिकम्स सो डेंजरस सो हॉरिफाइंग तो उसको लेके अभी आई हैड टू डू समथिंग मोर देन व्हाट हैज बीन अनाउंस्ड इट वॉज एन रियली एन आई ओपनर। Sir, as the motto himself is a very young filmmaker, so you know the Arunachal film policy is also coming up. There has been discussion going on. So there has been fun for the artist as well, but for the, what about the filmmakers? Will there be any fun for the filmmaker as well from the government side? As you rightly pointed out, Arunachal Pradesh ka jo film policy hai, wo abhi department IPR ke through se aake hum log jaldi usko release karenge. अरुणाचल प्रदेश का खासियत ये है कि अपना फिल्म इंडस्ट्री का यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कोप है बिकॉज एंटायर नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल इज ओनली हिंदी स्पीकिंग बेल्ट तो हमारा यहाँ के जो आर्टिस्ट है जो एक्टर्स है वो लोग भी बहुत ही टैलेंटेड है तो आने वाला दिनों में डेफिनेटली विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट और फिल्म मेकर्स लोगों को भी एक अच्छा उन लोगों का टैलेंट को दिखाने के लिए एक मौका जरूर मिलेगी। ये जो बेंगिया जी का जो मूवी है बहुत अच्छा एक मैसेज कैरी करना है कि कर रहा है कि ड्रग्स कल्चर को कितना हानिकारक है अपना समाज में और अपना फैमिली में तो हम सबको मिल के ड्रग्स के खिलाफ युद्ध लड़ना होगा जंग लड़ना होगा तो ये फिल्म को देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ड्रग्स के बारे में सब लोग बोलते हैं सुनते भी हैं लेकिन देखा नहीं है एक्चुअली बहुत लोगों ने जिस घर में जो ड्रग्स का प्रॉब्लम चल रहा है उसको करीब से देखा नहीं तो ये फिल्म का जरिए से पूरा दिखाने का कोशिश किया है कि कितना डरावना होता है तो हम सबको मिल के ड्रग्स को खिलाफ करते हुए हम सबको एक अरुणाचल जो है एक ड्रग फ्री स्टेट बनाना चाहिए। सबका एफर्ट इसमें आप सबको मैं रिक्वेस्ट करेगा कि आप सब लोग भी इस ड्रग्स की लड़ाई में आप सब लोग शामिल करने